वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मायसेल्फ गौरव मिश्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं इस समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें मैंने सेकंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया। जल्दी मैं सेकंड और थर्ड पेपर का भी सोल्यूशन साथ में देता रहूंगा। इसी के साथ मैंने बीएससी थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है कि मैंने उनके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर के भी स्टार्ट रहेंगे, मतलब तीनों एक साथ चलते रहेंगे। इसलिए मेरे जो सभी स्टूडेंट हैं बीएससी के, वो इस समय मेरे चैनल पर अपडेट रहे, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए इसी के साथ हमारा जो आज का देख रहे होंगे कि रियल एसिस पेपर है, फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का। और उसके बीएससी थर्ड ईयर का कौन सा पेपर मैं उठाया, 2019 रियल एनालिसिस। और मैंने सेक्शन ए को अभी बाद में मुझे लगेगा तो उसको मैं बात में कराऊंगा, पहले सेक्शन बी करा देते हैं क्योंकि सेक्शन ए में मैक्सिमम डिफिनीशंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है, अगर हो सकता है तो मैं उसको भी करा दूंगा आखिरी में सेक्शन सी के साथ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट फाइंड डिराइव्ड सेट क्यू, फाइंड डिराइव्ड सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो डिराइव्ड सेट पूछ रहा है आप क्यू का, फाइंड डिराइव्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो डिराइव्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर को बताने से पहले मैं आपको डिराइव्ड सेट की डिफिनेशन बता दूं कि कोई भी सेट ए है, अगर जैसे कोई भी सेट ए है, अगर वो सबसेट है किसी रियल नंबर का, कोई भी सेट ए है वो सबसेट है रियल नंबर का, तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल। डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ओके, जैसा कि देख रहे हैं कि डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होता है किसी सेट का। तो किसी सेट में यहां पर हमें कौन सा सेट दिया हुआ है, हमें ए की प्लेस पर कौन दिया है, क्यू दिया है। क्यू भी किसका सबसेट होता है, आर का। तो इसका मतलब हमें अगर क्यू का सभी लिमिट पॉइंट मालूम हो जाए तो उनका कलेक्शन एक सेट बनेगा, वही इस कलेक्शन क्या कहलाएगा, डिराइव्ड सेट कहलाएगा। तो उसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, देखिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं पूछ रहा है क्या कि डिराइव्ड सेट निकालना, क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। x कोई आर्बिट्रेरी हम रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए कोई x क्या है, x कोई भी एक नंबर है, x कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हम कह सकते हैं। आर्बिट्रेरी रियल नंबर का मतलब ये समझिए x में भी रेशनल आर इरेशनल, मतलब कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर मैंने कंसीडर कर रहा हूं। अब इसी x को हम क्या करते हैं, फॉर x टू बी ए लिमिट पॉइंट फॉर q, अगर x को हमें क्या दिखाना हो, लिमिट पॉइंट दिखाना हो q का, तो क्या करते हैं, वी मस्ट हैव दैट, तब हमें क्या करना होगा, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कंसीडर करना होगा। मैंने यहां डेल कंसीडर किया है या आप एप्सिलॉन कंसीडर कर लीजिएगा, अक्सर हम सब एप्सिलॉन ज्यादा यूज करते हैं। तो एक एप्सिलॉन हमने पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया है और इस तरह कंसीडर किए कि एक इंटरवल बना है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। कंटेन्स, यह जो इंटरवल होगा वो कंटेन करेगा सम पॉइंट ऑफ क्यू। सम पॉइंट ऑफ क्यू मींस क्या है, अदर देन x, मान लीजिए ये हमारा कोई रियल लाइन है, ठीक है, ये रियल लाइन है और इस पर आप जानते हैं रेशनल भी होंगे, इस पर रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। अगर मैं देखूं इस पर क्या होंगे, रेशनल और इरेशनल। तो मान लीजिए मैंने एक x को लिमिट पॉइंट दिखाना है, तो मैंने एक x कंसीडर कर लिया, ये जो पॉइंट है वो क्या है, x है, ठीक। और हमने एक स्मॉलेस्ट डेल नंबर कंसीडर किया है या एप्सिलॉन कंसीडर किया है, अगर मैं x प्लस एप्सिलॉन करूं तो मुझे एक इंटरवल, मान लीजिए एक छोटा सा छोटा मैंने एक इंटरवल कंसीडर किया है, एक छोटा सा छोटा इंटरवल x के आसपास मैंने कंसीडर किया, जिसका हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट x प्लस एप्सिलॉन है और ये वाला पॉइंट क्या है, x माइनस एप्सिलॉन, क्लियर है। तो कह रहे हैं कि जो ये इंटरवल होगा, जो आपको दिख रहा होगा फिगर स्क्रीन पर, कि ये जो इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स सम पॉइंट ऑफ q, ये जरूर क्या रखेगा, इस इंटरवल में आप खुद सोचिए, एक इस टाइप के जो इंटरवल होंगे उसमें जरूर क्या होंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट रेशनल नंबर जरूर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ओपन इंटरवल हो, कोई भी ओपन इंटरवल होगा
अगर उस ओपन इंटरवल ए बी ही सपोज करें उसमें रेशनल नंबर जरूर होते हैं, और कितने होते हैं? इनफाइनाइटली होते हैं। तो कंटेन सम पॉइंट ऑफ व्यू अदर देन एक्स, तो एक्स के अलावा भी उसके अंदर कई पॉइंट होंगे उस इंटरवल में। तो कंसीडर एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है विल कंटेन इनफाइनाइटली रेशनल नंबर। मींस ये जो ओपन इंटरवल है, आप जानते हैं कोई भी इंटरवल अगर हम ले रहे हैं तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइटली रेशनल नंबर हो सकते हैं। यही डेंसनेस प्रॉपर्टी है ऑफ रेशनल नंबर का। तो अगर हम कहें कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ q फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, अगर x कोई लिमिट पॉइंट होगा q का फॉर एवरी x रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर उठा करके अगर हम कह दें कि वो लिमिट पॉइंट है ऑफ क्यू का, तो डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा? सारा रियल नंबर होगा, क्योंकि सारे पॉइंट हमारे कहां से आएंगे? रियल सेट से आएंगे। या हम एक और आपको एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करा दें। जैसे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए एक मैंने इंटरवल ले लिया 2.5 और 3, क्लियर है? तो इस इंटरवल में अगर हम कोई भी एक पॉइंट x कंसीडर करें, मान लीजिए एक छोटा पॉइंट भी हम कंसीडर करें, जैसे हमने कंसीडर कर लिया 2.67, कुछ भी कंसीडर कर लिया, तो ये जो 2.67 है आप जानते हैं बीच में होगा, और उसके लिए अगर हम बात करें तो इंटरवल हमारा सपोज करिए ये क्या है, 2.5 और 3 है। तो आप देख रहे होंगे कि 2.67 के लिए इनफाइनाइटली इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? इनके बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होंगे। जब इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होंगे तो इनफाइनाइटली ऐसे यक्स हम लेते जाएंगे। ये तो एक यक्स के लिए है, यहां पर यक्स मैंने क्या लिया है, 2.67। इसी तरह आप कोई यक्स कंसीडर करिए 2.8 कंसीडर कर लीजिए, 2.9 कंसीडर कर लीजिए, तो आपको जो पॉइंट लेंगे उसके आसपास एक एप्सिलॉन ऐड कर दीजिए, एक एप्सिलॉन सब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक छोटा छोटा इंटरवल बनाइए, उस इंटरवल में भी आपको इनफाइनाइटली रेशनल नंबर गेन होगा। और इनफाइनाइटली रेशनल जब नंबर गेन होगा तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि उसमें ऐसे ही यक्स के तमाम वैल्यू, ऐसे यक्स जो रियल नंबर से हमें गेन होंगे उनके भी तमाम लिमिट पॉइंट हमें क्या मिलेंगे, क्यू के मिलेंगे। तो इसलिए इनका जो कलेक्शन होगा, डिराइव्ड सेट जो होगा ऑफ क्यू का, वो क्या होगा, आर। जैसा कि यहां देख रहे होंगे 2.5 और यक्स में अगर मैंने यक्स 2.67 कंसीडर किया, तो ये जो इंटरवल है 2.5 और 3 के बीच में, इनफाइनाइटली हम कह सकते हैं कि ऐसे यक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह ये सारे कहां जाएंगे, रेशनल नंबर में भी जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन डिराइव सेट ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर देता है तो आप इजीली कर सकते हैं। वैसे अगर मैं कहूं अपकमिंग क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं डिराइव सेट से ही रिलेटेड, तो लेकिन ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करने जा रहा है, तो थर्ड में आप देख रहे होंगे कि सो डेट दी सीक्वेंस एक्शन दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है, कन्वर्जन दिखाना है। दूसरा जो हमें लिमिट की वैल्यू दी हुई है, लिमिट की वैल्यू हमें ये प्रूफ करना है कि 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट थर्ड का प्रूफ करते हैं, जिसमें पूछा है कोई एक्शन सीक्वेंस दिया है और हमें दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए सिंपली हम जैसे जानते हैं कोई भी सीक्वेंस एक्शन है तो कन्वर्जेंट कब होता है, कोई भी सीक्वेंस एक्शन या एन से डिनोट करें, हम जैसे भी डिनोट करना चाहे, वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर हमें क्या दे दे, कोई फाइनाइट वैल्यू दे दे, ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू दे देगा तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बस ध्यान दीजिए लिमिट उस सीक्वेंस की फाइनाइट होनी चाहिए या यूनिक होनी चाहिए, हम ये भी कह सकते हैं, और फाइनाइट यूनिक के साथ डिफरेंट लिमिट मतलब एग्जिस्ट ना करें, जैसे एक प्लस वन करे एक माइनस वन करने लगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, तो उस तरह का कोई केस ना बनना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूफ करना है जैसे कि एक्शन है, तो पहले तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें, अंडर रूट से फ्री कर लेते हैं। तो ये अगर हमें एक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें सीक्वेंस में है और अंडर रूट पे दिया हुआ है तो उसको हमें अंडर रूट से फ्री करना होगा। क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन पॉजिटिव से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उससे क्या होगा, ये देखिए a माइनस बी हो गया a प्लस बी, तो अंडर रूट से फ्री हो गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। अब एन से एन कैंसिल कितना आ गया, वन बाई अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन। तो यक्षण हमें सीक्वेंस मिल गया है वन बाई अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सीक्वेंस में डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट एन। अब मैं अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम इसमें लिमिट दोनों साइड लगाते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो देखिए क्या होगा, वन बाई अंडर रूट इनफाइनाइट प्लस अंडर रूट इनफाइनाइट प्लस वन, दिस इज इनफाइनाइट प्लस वन, तो कितना हो गया वन बाई इनफाइनाइट दैट इज जीरो। अब जीरो कैसा है, फाइनाइट है, जीरो फाइनाइट है, यूनिक वैल्यू है, तो फाइनाइट और यूनिक हुआ तो ये ऐसा सीक्वेंस हमें जो दिया हुआ है एक्शन वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट, जो कि आपको मैंने पहले ही रीजन बताया कि कन्वर्जेंट के लिए लिमिट यूनिक हो फाइनाइट हो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं इसको क्लियर करके। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें लिमिट की वैल्यू प्रूव करनी है एन के पावर वन बाई एन इक्वल टू वन। देखिए मैंने देखा अनसॉल्व में मिस्टेक दिया है, वन बाई एन की जगह फोर दिया हुआ है, वो रॉन्ग है, एन के पावर वन बाई एन इक्वल टू वन पूछ रहा है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है हमारा एन के पावर वन बाई एन, इसी को हम मान लेते हैं जो लिमिट हमारी वन आ रही है, हम सपोज कर लेते हैं ये लिमिट क्या होगी वन प्लस एच एन होगी, मतलब वो वन ना हो करके वन के अलावा भी कुछ हो सकती है, मैंने एक एच एन माना है कंसीडर किया। जो एच एन क्या हो सकता है, कोई भी जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, जब आप दोनों साइड nth पावर लेंगे तो n के पावर यहाँ n लगाएंगे, दोनों के होल पावर n लगाएंगे, तो आपका ये n कैंसिल होके n बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस एच एन के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, आप जानते हैं 1 प्लस एक्स पावर n का 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिए इस क्वांटिटी को, ये आरएचएस क्वांटिटी हम क्या लिख सकते हैं, ये आरएचएस क्वांटिटी ग्रेटर देन होगी, ये जो छोटी वाली क्वांटिटी हमें इससे मतलब है, हम इसकी ग्रेटर देन लिख सकते हैं। अब n बाई टू एन माइनस वन एच एन स्क्वायर फॉर एवरी n नेचुरल नंबर, तो हमें क्या मिला, अब ये और ये एक साथ लेंगे तो n इज ग्रेटर देन होल क्वांटिटी, किससे ग्रेटर थी, इससे थी, तो n क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा n बाई टू एन माइनस वन एच एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए n बाई टू एन माइनस वन एच एन स्क्वायर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए। अब क्या करें हम, n से n कैंसिल कर लें, दिस इज n n कैंसिल, टू हम मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस में, अपॉन n माइनस वन ग्रेटर देन क्या लिख लिए एच एन स्क्वायर। तो n को मैंने एक तरफ कर लिया, एच एन स्क्वायर को एक तरफ कर लिया है फॉर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए। अगर मैं इन दोनों इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट टू बाई एन माइनस वन ग्रेटर देन मॉड एच एन। अब हमें क्या करना है कि एक पॉजिटिव एप्सिलॉन कंसीडर करना है नंबर, स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर हमने कंसीडर किया है, देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, तो वो एप्सिलॉन नंबर मैंने इस तरह कंसीडर किया है जो इस नंबर से ग्रेटर देन है। ध्यान से देखिए कौन से नंबर से, दिस जो हमारा ये स्क्वायर रूट वाला था इस नंबर से बड़ा है एप्सिलॉन हमारा, और ये पूरा ये नंबर तो ऑलरेडी किससे बड़ा था एच एन से, तो एप्सिलॉन जो हमने एक नंबर कंसीडर किया वो ग्रेटर देन हो गया अंडर रूट टू बाई एन माइनस वन के। अब दोनों साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर करेंगे एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन टू या बाई एन माइनस वन, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आर एच एस का। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, एन ग्रेटर देन टू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वन गेन होगा। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इफ वी टेक स्मॉल n, हमने कंसिडर किया है कि n के अलावा, n क्या था नेचुरल नंबर था आप जान रहे हैं, अब n के अलावा मैंने एक नेचुरल नंबर और m ले रख दें, तो m नेचुरल नंबर कंसिडर करेंगे तो m n को रिप्लेस करेंगे m से, तो क्या भाई क्या मिलेगा हमें, टू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वन मिलेगा। देन मॉड एच एन, जो हमारा मॉड एच एन होगा वो क्या हो गया, मॉड एच एन हमारा इसके क्या था, ग्रेटर था। यहां से देखिए, यहां से देखिए एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन मॉड एच एन है, तो मॉड एच एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो जब एम इज ग्रेटर देन टू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वन,
तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ n के पावर 1 बाय n माइनस 1 होगा वो भी किससे छोटा होगा, वो किससे छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए ये कहां से आ गया, आप देखिए hn की वैल्यू क्या थी, hn की वैल्यू अगर हम निकाले यहां से तो hn क्या होगा n के पावर 1 बाय n माइनस 1, hn की वैल्यू होगी n के पावर 1 बाय n माइनस 1, वही वैल्यू यहां पर मैंने रख दिया है तो क्या मिला है mod of n के पावर 1 बाय n माइनस 1 भी epsilon से छोटा होगा। तो इससे पता चल रहा है कि epsilon कोई भी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0। तो इससे पता चला जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n के पावर 1 बाय n होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का और वाला पार्ट लिया है जो अथवा करके पूछा है दूसरी बार। दूसरा जो क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का और क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एवरी कन्वर्जेंस सिक्वेंस इज बाउंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कोई भी कन्वर्जेंस सिक्वेंस बाउंडेड होता है ये तो स्टेटमेंट है, थ्योरम है, प्रूफ इसका हमसे यहाँ पूछ रहा है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाउंडेड सिक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, और एक साथ में एग्जांपल देना है जो ऐसा सिक्वेंस हो कि बाउंडेड हो लेकिन वो कन्वर्जेंट ना हो। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ट्रेडिशनली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं वो कन्वर्जेंट होगा और बाउंडेड सीक्वेंस कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, मान लेते हैं an कोई एक क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे n क्या मिलेगा, l मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर l हमें फाइनाइट वैल्यू, यही मैंने बताया था कि फाइनाइट मिले और यूनिक मिले तो उसको क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो अब हम एक प्रूफ कैसे करेंगे, हम काची सीक्वेंस पढ़े ही हैं तो काची सीक्वेंस का यूज करते हुए हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 there exists n zero belongs to natural number such that mod of an minus l, l क्या है limit है sequence की और an क्या है sequence है, less than 1 for n is greater than equal to n zero। अब mod an less than क्या हो सकता है, mod an को हम अगर लिखना चाहें तो mod an को हम लिख सकते हैं इस तरह, mod an less than mod l plus 1 can be write for n greater than is equal to n zero। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक m कोई पॉजिटिव नंबर समझिए, m कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नहीं कोई भी m नंबर हो सकता है। अब वो m होगा कौन सा, मैक्सिमम होगा mod a1 mod a2 mod an या mod l plus 1 के। तो मैक्सिमम होगा जैसा कि आप जान रहे हैं इन्हीं सीक्वेंसों में से, हमें A1 में से कोई सीक्वेंस हो सकता है, A2, A3 मतलब n को रिप्लेस करके 1, 2, 3 कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी है इन सभी में से जो सीक्वेंस हमें गेन हो और वो कैसी हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेंगे वही हमारा क्या होगा m होगा, देन mod an कैन बी रिटेन लेस आर इक्वल टू m, मतलब यहां पर इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेस आर इक्वल टू एम से, इक्वल टू इसलिए क्योंकि यहां पर mod l plus 1 गिवन है max के साथ। तो जब mod n less than equal to m होगा तो ये कंडीशन आप अच्छी तरह जानते हैं ये किसकी डिफिनेशन है, ये बाउंडेड की है, क्योंकि बाउंडेड में कोई भी फंक्शन fx बाउंडेड कब होगा, जब कोई पॉजिटिव नंबर k या m आ जाए और मॉडुलस ऑफ mod fx क्या हो, लेस आर इक्वल टू m हो, मींस fx कैन बी राइट माइनस एम टू प्लस एम एज ए बाउंडेड डिनोट, मतलब ये कह सकते हैं कि बाउंडेड को डिनोट कर रहा है इसलिए बाउंडेड सीक्वेंस को हमने वेरीफाई किया, हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, हैंस कन्वर्जेंट, हैंस एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके बहुत आसान था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि केवल एग्जांपल पूछ रहा है तो सिंपल सा देखिए आप, मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं कि एग्जांपल ऐसे बाउंडेड सीक्वेंस का लेना है जो कन्वर्जेंट ना हो। तो मैं एक सीक्वेंस कंसीडर कर लिया, जैसे ए एन मैंने कंसीडर कर लिया माइनस 1 की पावर एन,
तो अगर इस सीक्वेंस को मैं ओपन करूं तो क्या होगा, वो सीक्वेंस आप ध्यान से देखिए क्या होगा, माइनस वन प्लस वन, वन रखेंगे तो माइनस वन, टू रखेंगे तो प्लस वन, थ्री रखेंगे माइनस वन, फोर रखेंगे तो प्लस वन एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब ये सीक्वेंस अगर हम ओपन करते हैं तो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, मतलब ए एन इज द सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। तो जब माइनस वन प्लस वन के बीच में है तो क्या ये कन्वर्जन भी होगा? नहीं। मैंने बताया था कोई भी सीक्वेंस होना चाहिए अगर उस सीक्वेंस की लिमिट, अगर उस सीक्वेंस क्या हो, फाइनाइट वैल्यू दे लिमिट उसकी, या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आप देखिए दो लिमिट मिल रहा है, एक माइनस वन, एक माइनस वन भी, वन भी मिल रहा है, प्लस वन मिल रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो माइनस वन प्लस वन के बीच में लाई कर रहा है तो बाउंडेड तो हो गया लेकिन कन्वर्जन नहीं हो गया क्योंकि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं गेन होगी। मीन्स माइनस वन मिल रहा है प्लस वन मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है प्लस वन मिल रहा है, तो उस वजह से ये जो है बाउंडेड सीक्वेंस तो है माइनस वन के पावर एन बट कन्वर्जेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर मैंने फोर लिया है। फोर में शो दैट द फंक्शन कंटीन्यूअस एट ओरिजिन, फंक्शन हमारा है एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो एंड व्हेन एक्स वाई इज जीरो जीरो देन दिस द फंक्शन इज वैल्यू इज जीरो। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरी ईयर लगभग पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में जो जिस नॉन जीरो पर, नॉन जीरो वैल्यू पर एक्स और वाई की हम क्या करेंगे, इस पाथ पर चेक करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स पे चेक करेंगे या कोई भी रेंडमली आप वैल्यू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ भी लेकर के आप पुट कर देंगे। तो सपोज करिए मैं वाई इक्वल टू एफ एक्स अपने इस फंक्शन एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैंने पुट किया वाई इक्वल टू एम एक्स तो क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब देख रहे होंगे कि एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बचेगा वन प्लस एम स्क्वायर, एक्स कैंसिल एम एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन किसमें चेंज हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एम एक्स सब्स्टिट्यूशन से एम एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइड लिमिट अप्लाई करें एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो, तो यहां भी लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो। तो जैसे ही हम यहाँ वैल्यू एक्स वाई जीरो जीरो रखेंगे तो वाई तो यहाँ डिसअपियर हो चुका है, तो x की वैल्यू यहां पर जैसे ही लिमिट रखेंगे यहां पर y डिसअपियर, इसलिए x टेंडिंग टू जीरो केवल रखेंगे, और x टेंडिंग टू जीरो रखेंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी क्योंकि x क्या है न्यूमरेटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन पे पहले हम ये काम करेंगे, एक पाथ y इक्वल टू एमएक्स पे चेक किए, अब दूसरे पाथ पर चेक करते हैं। तो दूसरा पाथ हम सपोज करिए हमने लिया, लेट द पाथ, अगेन एक पाथ हम ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस पाथ पर हम चेक करते हैं, इस पाथ पर हम कैसे चेक करेंगे, पहले तो फंक्शन एफ एक्स आप देख रहे होंगे क्या है हमारा, एफ एक्स वाई यहां लिख लीजिएगा, दिस इज एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर टू एक्स क्यूब रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब की वैल्यू रखने पर एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर सिक्स, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो x मिलेगा, तो 1 प्लस x के पावर 4 हो गया। अब यहां से x x कैंसिल तो दिस इज x क्यूब बाई अंडर रूट 1 प्लस x के पावर 4, मीन्स fx इज ऑब्टेंड x क्यूब अपॉन 1 प्लस x के पावर 4। ओके, अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें, जो हमारा ये फंक्शन अभी किसमें था, fx y में था, तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो अगर अप्लाई करें एफ एक्स वाई पर, तो ये फंक्शन क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स में चेंज हो गया है तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वाई यहां से हमने डिसअपियर किया इन टर्म ऑफ एक्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही एफ एक्स की वैल्यू हम एक्स टेंडिंग टू जीरो यहां रखते हैं तो क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स के पावर फोर का अंडर रूट। अब देख रहे होंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे ही इस प्लेस पर लिमिट,
तो ऊपर बच जाएगा 0 बाई अंडर रूट 1 प्लस 0, मीन्स लिमिट की वैल्यू अगेन क्या मिली हमें, 0 मिली। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अलोंग द डिफरेंट पाथ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई गिव द यूनिक वैल्यू ऑफ लिमिट दैट इज 0 एंड ऑल्सो द फंक्शन गिवन द कंटिन्यूटी एट द 0 0 ओरिजिन इज 0 मीन्स एफ 0 0 गिव्स 0। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट द ओरिजिन। तो मैं पीछे हट जा रहा हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, XD इज ए मैट्रिक स्पेस एंड XD क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक स्पेस D दिया हुआ है हमें मैट्रिक स्पेस, और कह रहा है कि D स्टार XY अगर कोई ऐसे फंक्शन हो, D स्टार XY मींस DXY अपॉन 1 प्लस DXY फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू X देन सो दैट D स्टार फॉर्म अ मैट्रिक स्पेस। तो कोई भी मैट्रिक स्पेस कब फॉर्म होता है, मैट्रिक स्पेस फॉर्म करने के लिए पहला कंडीशन, अगर D स्टार को हमें मैट्रिक स्पेस दिखाना है इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक स्पेस दिखाना होता है तो हमें चार प्रॉपर्टियां शो ऑफ करनी होती है। पहला कि अगर D स्टार को मैट्रिक स्पेस दिखाना है तो हमें पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। दूसरा ये होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई, मतलब डी एक्स वाई 0 लेके चलेंगे इफ एंड ऑनली इफ x इक्वल टू वाई। आप सेकंड केस देख रहे होंगे, थर्ड केस सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, इसे हम सेकंड बोल दे रहे हैं और ये हमारा हो गया थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो थर्ड केस क्या है, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स मीन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो, और फोर्थ प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ये चारों प्रॉपर्टी अगर हम शो कर दे तो ये जो मैट्रिक स्पेस हमें डिफाइंड है फंक्शन के फॉर्म में डी स्टार एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए प्रूफ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पहला प्रूफ करना है कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहला प्रॉपर्टी पी वन हम लेते हैं। प्रॉपर्टी पी वन हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो जैसा कि हमें मालूम है कि डी इज मैट्रिक स्पेस, डी इज अ मैट्रिक स्पेस, डी मैट्रिक स्पेस है ओवर एक्स वाई पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे, डी अगर मैट्रिक स्पेस है तो डी एक्स वाई क्या होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें दिखाना है क्या डी डी स्टार के लिए भी होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दें बाई 1 प्लस डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी एक्स वाई। समझ रहे होंगे आप सब कि मैंने क्या किया, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी एक्स वाई। अब ये देख रहे होंगे ये कौन सा फंक्शन है, ये हो गया हमारा डी स्टार एक्स वाई जो कि क्या हो जाएगा, ये तो 0 बाई 0 दैट इज 0 होगा, तो दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह हमने अपना पहला प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शो ऑफ कर देंगे। हम चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेकंड में कैसे प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी सेकंड के लिए जो हमारे पास है हम उसी का यूज करेंगे। डी एक्स वाई क्या है, मैट्रिक स्पेस है, तो डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, डी बाई एक्स, ये हम जानते हैं। अब हमें प्रूफ करना है क्या डी स्टार एक्स वाई डी स्टार वाई एक्स के इक्वल है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम ये वाला ले रहे हैं क्वांटिटी डी स्टार एक्स वाई लेकर के चल रहे हैं और डी स्टार वाई एक्स दिखाएंगे, तो डी स्टार एक्स वाई कैसे डिफाइंड है, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ओके, अब जैसा कि आप जान रहे हैं डी एक्स वाई किसके इक्वल है, डी वाई एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, तो इन दोनों प्लेसेस पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डी ऑफ वाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ वाई एक्स। और ये कौन सा फंक्शन होगा, अगर मैं इस तरह डिफाइन करूं डी स्टार के डिफिनेशन से, ये कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा डी स्टार वाई एक्स। तो इस तरह हमने एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दिया मैट्रिक स्पेस का, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा, ये वाला हो चुका है हमारा और ये वाला हो चुका है, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है इफ एंड ऑनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये तो हमें डी मैट्रिक स्पेस दिया है, तो वी हैव, ये हमें दिया हुआ है डी इज मैट्रिक स्पेस, डी इज मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, तो क्या हो जाएगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ऑनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये तो हमारे पास है, ठीक है।
तो अगर हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो हमें ये प्रूफ करना है कि डी स्टार टू प्रूफ डेट हमें प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ डेट कि डी स्टार एक्स कामा वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यही यूज करते हैं। डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो मीन्स डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये क्वांटिटी आप देख रहे होंगे, ये जब इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने ये वाला पोर्शन लिया है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये क्वांटिटी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, तो मीन्स डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेंगे तो इफ एंड ऑनली डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। ओके, और फिर इफ एंड ऑनली डी एक्स वाई, जब ये डिनोमिनेटर को जीरो बराबर करेंगे डी एक्स वाई जीरो, और डी एक्स वाई जीरो होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हुआ। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड प्रॉपर्टी भी, फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा प्रूफ हो चुका है, जैसा कि देख रहे हैं अब हम प्रॉपर्टी फोर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी फोर आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ये अगर मैट्रिक्स स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहां भी प्रूफ करना है इन केस ऑफ डी स्टार। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पर फंक्शंस को चेंजिंग फॉर्म में लिखा है कि डी एक्स जेड को हम क्या वैल्यू है, डी एक्स जेड लिख सकते हैं, वाई को रिप्लेस करेंगे जेड से, तो वाई के प्लेस पे जेड, वाई के प्लेस पर जेड। फिर इसके बाद ये क्वांटिटी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये होल क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा, हमें इस तरह सेटिंग करना होगा डी एक्स जेड अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड, और डी जेड वाई को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। आप सिंपल से देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में क्या चेंजेस है, केवल ये डी जेड वाई ऐड है। तो इससे क्या होगा, जब भी किसी किसी भी वैल्यू में कोई भी फ्रैक्शन हो ए बाई बी, अगर उसके डिनोमिनेटर में हम कुछ भी ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए होल क्वांटिटी क्या है, इससे क्या है, लेस है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन है इससे। चलिए इसी तरह डी जेड वाई अगर हमें निकालना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आप जानते हैं एक्स जेड प्लस जेड वाई, तो जेड वाई के लिए निकालेंगे तो एक्स के प्लेस पे जेड और वाई के प्लेस पर वाई ही रहेगा, तो ये मिलेगा हमें। और ये होल क्वांटिटी सिमिलरली इसकी तरह हम लिखना चाहेंगे तो डी जेड वाई तो वैसे ही होगा ऊपर नीचे, बाकी यहां पर डी एक्स जेड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई। तो कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों को मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करने का क्या तरीका, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस आरएचएस, ये दोनों ऐड होंगे तो डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, कि देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, होल डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, और ऊपर हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। क्लियर है, तो जब ये होल क्वांटिटी हमारी चेंज हो गई तो ध्यान दीजिए ये क्या था हमारा, डी हमारा मैट्रिक स्पेस होता है, इसके केस में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स वाई से, जो अभी मैंने शुरुआत में ही स्टार्टिंग में लिखा, तो डी एक्स वाई अपान इसको भी हम इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, डी एक्स वाई से। क्लियर है, और ये होल क्वांटिटी क्या है हमारी, ये होल क्वांटिटी डी स्टार एक्स वाई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, या दिस इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई, मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया है कि डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई। ओके, इस तरह हमारा प्रॉपर्टी फोर भी प्रूफ हुआ। तो चार प्रॉपर्टियां आपको हमेशा याद होनी चाहिए मैट्रिक स्पेस से, इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक सेकंड पोर्शन मैंने देखा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज काची सीक्वेंस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज हैं, वहां पर आपको थ्योरम के फॉर्म में मिल जाएंगे, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अगर कोई और पेपर में मुझे मिलता है मैं उसको सब उसमें तब इसको सॉल्व करा दूंगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैं आ रहा हूं, तो वहां एक रिमान आर इंटीग्रेबल एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन आर इंटीग्रेबल दिखाना है, और उसी के दूसरे सेक्शन में ये भी पूछा है और करके कि जीरो से इनफाइनाइट प्रूव दैट जीरो टू इनफाइनाइट इंटीग्रल साइन एक्स बाई एक्स इज कन्वर्जेंट। तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले देख रहे होंगे ये ऊपर अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो से इनफाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स कैन बी राइट जीरो टू वन साइन एक्स बाई एक्स प्लस वन से इनफाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अपर लिमिट मैंने वन और यहाँ वन लिखा है, वो कैसे जान लिखा है आप जानते हैं अच्छी तरह, इंटीग्रल की डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से मैंने इसको लिखा है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, जीरो से वन साइन एक्स बाई एक्स, ये कैसा इंटीग्रल है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं ये प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये कैसा इंटीग्रल है, ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैसे है, अपर लिमिट क्या है, इन्फाइनाइट है। तो प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा कि ये जीरो से वन साइन एक्स बाई एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रल सो इट इज कन्वर्जेंट। क्लियर है, अब इसको भी हमें दिखाना होगा कि ये कन्वर्जेंट होगा, तभी तो होल हम कह सकते हैं इन दोनों का सम क्या आ गया, जो हमारा रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं, देख रहे हैं कि हम सेकंड वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वन से इनफाइनाइट साइन बाई एक्स, ये कैसा इंटीग्रल है, आप जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स इज इम्प्रॉपर, ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो अगर हम इसमें कुछ चीजें निकालें, जैसे 1 बाई एक्स निकालना है, तो फाइव एक्स हमने एक मान लिया कि 1 बाई एक्स है, फाइव एक्स हमने कंसीडर कर लिया कि यहां से 1 बाई एक्स निकाल करके वो क्या मान लिया है, फाइव एक्स। अब 1 बाई एक्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोनोटोनिक होता है, ठीक है, मोनोटोनिक आप जानते हैं कि कैसे चेक करते हैं कोई भी मोनोटोनिक के लिए क्या कंडीशन है, यहां मैं वो सब डिस्कस नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट जो पॉइंट है उस पे आते हैं। फाइव एक्स 1 बाई एक्स क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। अब मोनोटोनिक फंक्शन है तो अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाए फाइव एक्स पर, तो आप देख रहे होंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फाइव एक्स क्या है, 1 बाई एक्स, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स जीरो आएगी। अब जीरो आ गई, चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे हम बात करते हैं, इसको पहले क्लीन कर देते हैं ये नीचे वाला पोर्शन, या हमें यहीं आ जाते हैं। देखिए लेट मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू हम ऊपर वाला न्यूमरेटर फंक्शन मान लेते हैं साइन एक्स, ओके। चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं, तब ऊपर ये वाला डिस्कस पार्ट ऊपर करते हैं, हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हम एफ एक्स को क्या दिखाते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 से टी साइन एक्स जो होगा इसका मॉडुलस फंक्शन, अगर हम मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शन, हमें ये दिखाना है कि बाउंडेड है कि नहीं, तभी हम डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ 1 से टी साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और लिमिट क्या है, 1 से टी। जब हम लिमिट को ओपन करेंगे, अपर लिमिट आएगा तो माइनस कॉस टी, लोअर लिमिट आएगा माइनस कॉस 1, ओके। अब इस लिमिट में मॉडुलस को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू मॉड आएगा यहां पर पूरी तरह, तो मॉड ऑफ माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस 1 प्लस कॉस 1। क्लियर, अब जैसा कि देख रहे होंगे यहां तक तो हमारा हो चुका है। अब कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आप जानते हैं कि 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 0 और 1 के बीच में हम जनरली लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें 1 होगी, तो कॉस टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसी तरह कॉस 1 में भी हम 1 ले सकते हैं, मतलब होल क्वांटिटी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जो कि 2 आएगी। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, जो हमारा इंटीग्रल है, वो इंटीग्रल कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, मींस ये इंटीग्रल लेस आर इक्वल टू 2 आने का मतलब हो गया कि ये कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब बाउंडेड हो गया तो चलिए डिरिचलेट अप्लाई करते हैं, डिरिचलेट थ्योरम, इसको क्लीन करते हैं। ये देख रहे होंगे कि डिरिचलेट थ्योरम जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, जो हमारा फंक्शन किस तरह था, 0 से 1 से क्या था, इनफाइनाइट था, साइन एक्स बाई एक्स था, ठीक, 1 बाई एक्स को हमने माना था फाइव एक्स, और साइन एक्स को माना था हमने एफ एक्स, ठीक। तो अब अगर हम उस तरह लिखे तो 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स फाइव एक्स हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम,
अब ये हमारी जो क्वांटिटी वंस इनफाइनाइट साइन बाई साइन एक्स अपान एक्स, जैसा कि हम दिखा चुके हैं साइन एक्स कैसा है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या है, बाउंडेड है, और वन बाई एक्स क्या है, मोनोटोनिक है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि डिरिचलेट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो होल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जब कन्वर्जेंट हो गया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कि इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स बाई डिरिचलेट थ्योरम इट इज कन्वर्जेंट। ओके चलिए, इसी तरह अब हम कह सकते हैं कि हमारा सेक्शन बी क्लियर हुआ। जो जो भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी थर्ड ईयर में, उनसे कहूंगा कि वो 5 साल का पेपर जरूर सॉल्व करें, उन्हें आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये मैंने फिलहाल एक ईयर का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। आने वाले दिनों में मैं आपके और भी कॉम्प्लेक्स के पेपर का भी सोल्यूशन प्रोवाइड जल्दी करूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, जल्दी मैं और भी आपको नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस भी करते रहेंगे। जैसे थ्योरी लेक्चर्स भी हमारा चलेगा, अभी तो फिलहाल पेपर चल रहा है। अगर मेरे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो मेरे चैनल पहली बार आए हो, चाहे वो बीएससी थर्ड ईयर का हो, कोई भी हो, तो मेरे चैनल पहली बार व्यू कर रहा हो तो मैं उससे बता दूँ, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी यहाँ पर डिस्कस होंगे सारी तरह की प्रॉब्लम्स। इसलिए मेरे चैनल बने रहिए, सारे अनसॉल्व 2019 के मैं इस समय डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने सेकंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा सॉल्व करके पहले से मतलब आप अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा 2019 का। और आने वाले दिनों में बीएससी सेकंड ईयर का भी और भी जो पेपर्स हैं, सेकंड पेपर डिफरेंशियल और थर्ड पेपर मैकेनिक्स, इसी तरह फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, और भी सारे पेपर मैं डिस्कस करूंगा उनके एग्जामिनेशनों के पहले। मेरे चैनल पे आप हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करना ना भूलें, ताकि उन स्टूडेंटों तक भी ये जानकारी पहुंचे कि आपके लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू।